चलते हैं नेपाल। इस गरीब पहाड़ी देश में ऊर्जा की भारी कमी है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां अब भी लकड़ी से ही चूल्हा जलता है, लेकिन अब वहां सस्ते गोबर गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनकी मदद से लाखों चूल्हे जल रहे हैं और हर साल 2.5 लाख पेड़ कटने से बच रहे हैं। मुन्नी माया तमांग को परिवार की जरूरत के लिए लकड़ियां चुनने में अक्सर घंटों लगते हैं। साल भर में उन्हें 4.5 टन लकड़ियां चाहिए। जंगल में लकड़ियां चुनना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए खास परमिशन लेनी होती है। अगर आप बिना परमिशन के लकड़ियां चुनते पकड़े गए तो जुर्माना होता है। चौकीदार गिरी हुई लकड़ियां भी नहीं उठाने देता, वे दफ्तर ले जाते हैं। यहाँ जंगली जानवर भी हैं, जैसे गेंडे, बाघ, इसलिए जंगल में बहुत सावधान रहना पड़ता है। दिन भर लकड़ियां चुनने के बाद 39 साल की तमांग अपने गांव बदरेनी लौट रही हैं। अभी घर का काम निपटाना है, फिर खाना पकाना है। घर के भीतर लकड़ी के चूल्हे पर धुएं से हमारी आंखें दुखती हैं। ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, आंख में दवा डालनी पड़ती है। कुछ ही दूरी पर कुमाल परिवार रहता है। इनके खेत में चावल और सब्जियां उगती हैं, लेकिन इनके हालात तमांग परिवार से अलग हैं। वजह है गोबर गैस। भैंसों का गोबर जमा किया जाता है और उसे इस कुएं में डाला जाता है। 6 क्यूबिक मीटर वाला यही कुआं मिनी प्लांट है। कुमाल परिवार के लिए यह काम आसान हो गया है। उन्हें पता है कि गोबर गैस कैसे तैयार करनी है। तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं। नेपाल का कुमाल परिवार मिसाल बन गया है। यह विश्व जीव कोष के बायोगैस प्रोजेक्ट में शामिल है। खाना पकाने के लिए धुआं नहीं फांकना पड़ता, बस आंच दिखाते ही बायोगैस वाला चूल्हा जल जाता है और खाना भी जायकेदार। कुमाल परिवार ने जब यह प्लांट लगाया तब इसका खर्चा करीब 15,000 रुपए था। फिर भी कर्ज लेकर उन्होंने प्लांट लगाया। मुझे बायोगैस प्लांट पर इतना पैसा खर्च करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। सभी फायदा से इसमें राम इतने। एक फायदा यह भी है कि बायोगैस बनने के बाद जो कुछ बचता है उसे जैविक खाद की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुमाल परिवार के मिर्च के पौधे के लिए यह खाद बहुत अच्छी है। 45 केजी। नेपाल सरकार लोगों को बायोगैस के बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहती है। वहाँ हर साल 20 लाख बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है।